भारत सदियों पहले से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का संवर्धक रहा है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जड़ी बूटियों की बढ़ती जा रही मांग और हर्बल उत्पादों के प्रति लोगों के बढ़ते झुकाव ने इसकी व्यावसायिक उपयोगिता और इसकी कृषि को नए सिरे से प्रोत्साहित करने का काम किया है। औषधीय महत्व की ज्यादातर जड़ी बूटियों की खेती के लिए भारत की जलवायु हमेशा से अनुकूल रही है। इसमें भी सबसे बड़ा सौभाग्य ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु औषधीय एवं सगंध पौधों की ज्यादातर प्रजातियों के लिए सबसे मुफीद है। पारंपरिक तौर पर हम जड़ी बूटियों के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं, परंतु जंगलों की कटाई की वजह से आज गुणवत्ता परक जड़ी बूटियों की उपलब्धता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस अपार संभावनाओं वाले क्षेत्र में औषधीय एवं सगंध कृषि के लिए संगठित उत्पादन को बढ़ावा देकर के जहां मांग के अनुरूप जड़ी बूटियों को उगाया जा सकेगा, वहीं इसकी कृषि के जरिए किसान भाइयों की आमदनी को कम से कम दोगुना कर सकने में सहायता मिल सकेगी। औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती करने से किसानों की आर्थिक समस्याओं को कम करके इस क्षेत्र से जुड़े नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना भी संभव हो सकेगा। औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती से जड़ी बूटियों की उपलब्धता सुगम तो बनेगी ही, इससे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के स्वास्थ्य संवर्धन संबंधित कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। इन रोजगार परक पौधों की खेती को मिला प्रोत्साहन एक ओर स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ सामाजिक संरचना में भागीदार बनेगा, तो दूसरी ओर चिकित्सा सेवा में अनावश्यक बढ़ रहे व्यय भार को कम करने में मददगार साबित हो सकेगा। समय की इस मांग को देखते हुए इस अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के औषधीय एवं सगंध पौधों की कृषि पर खास करके जोर दिया गया है। ग्रामीण किसानों की सुविधा के लिए इस कृषि के तकनीकी पहलुओं, उत्पादन के विक्रय और आर्थिक विकास से जुड़ी जानकारियों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा खास प्रयास किया जा रहा है। राज्य जैव ऊर्जा नीति के लागू होने के बाद से इस नीति पर उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा सकारात्मक शुरुआत की गई है। अपनी इस अहम भूमिका में बोर्ड ने जैव ऊर्जा विकास और पर्यावरण अनुकूल कृषि को लक्ष्य बनाया है। बोर्ड द्वारा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश की जलवायु के अनुसार 21 औषधीय एवं सगंध पौधों को चयनित किया गया है। ये पौधे हैं लेमन ग्रास, पामा रोजा, ग्वारपाठा, सर्पगंधा, शतावर, तुलसी, खस, गिलोय, सिट्रोनेला, रोजमेरी, सनाए, गुड़मार, बच, मुस्कदाना, पिपली, कौच, अश्वगंधा, कालमेघ, ईसबगोल, पाषाणभेद और चंद्रसूर आदि। इन चयनित पौधों में लेमन ग्रास, पामारोजा, सर्पगंधा, शतावर, तुलसी, खस, ग्वारपाठा और गिलोय जैसे पौधों की खेती को खास महत्व दिया गया है। इसका भविष्य तो बहुत है, क्योंकि दो कारणों से, एक तो जड़ी बूटियों की उपलब्धता कम होती जा रही है, जंगल कटे हैं, पहले इसमें से बहुत सारी जड़ी बूटियां जंगल में हो जाती थी, अब जब से जंगल कटे जा रहे हैं तो जंगल से तो मिलती नहीं है, तो उगानी पड़ेगी, जंगल में गुणवत्ता की समस्या होती थी तो इसमें गुणवत्ता अच्छी होती है, और जड़ी बूटियों की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को इसके इलाज से काफी फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड का उद्देश्य अन्नदाता किसान को स्वावलंबी बनाना है। परंपरागत खेती में आ रही दिक्कतों से अन्नदाता किसानों में खेती के लिए असमंजस की स्थिति आती जा रही थी। कृषि प्रधान देश में ये अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती की प्रभावी परियोजना के जरिए बोर्ड ने किसानों को खेती के लिए उत्साहित करने का काम किया है। काश्तकारों को सगंध और औषधीय पौधों की खेती में 3-4 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो जहां अच्छी फसल मिल रही है, जिस जमीन से अच्छा उनको उपज मिल रही है, उस खेती को पूरी तरह कभी डिस्टर्ब मत करें। अगर उनको लगता है कि इससे ज्यादा और आमदनी हो सकती है तो थोड़े हिस्से में पहले प्रयोग करें, बल्कि बेहतर यह रहता है कि जिस जमीन में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्या है, जैसे कोई जलभराव की जमीन है, या जैसे जिस जमीन में पानी की समस्या है, या जिस जमीन में छाया ज्यादा है, जैसे बाग हैं, तो उस जमीन में और फसलें नहीं कर सकते, वहां पर औषधीय पौधे और सगंध पौधों की खेती करनी चाहिए, ताकि जमीन की जो समस्या है उसका समाधान भी हो जाए और जो रेगुलर इनकम वाली फसल है उसको भी डिस्टर्ब ना हो, तो ये एडिशनल इनकम के रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, इसको पहले प्रायोगिक तौर पर इसको पूरा समझना चाहिए, तो पहले तो जानकारी लेनी चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, और उससे भी ज्यादा कि वो प्रशिक्षण प्रैक्टिकल रहे, तो प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होता है जब आप छोटे स्तर पर स्वयं करते हैं, तो थोड़े थोड़े स्तर पर आपकी जमीन में कहीं पानी भरता है तो वहां आपने ब्राह्मी लगा दिया कि एक हिस्से में ऊंचा है और बीच में नीचा है, तो नीचे वाले हिस्से में वो फसल लगाते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, ऊंचे में वो फसल लगाते हैं जिसको कम पानी चाहिए होता है, तो ऊंचे में सरगंधा लगा रखी है, नीचे में वच लगा रखी है, तो उससे कि पानी ज्यादा हो गया तो भी आराम है, पानी कम हो गया तो भी आराम है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती में अनुपयुक्त भूमि को ही केंद्र में रखा गया है। इस कदम के जरिए बोर्ड ने परती और बंजर भूमि का सफल उपयोग और परंपरागत खेती को सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। इस प्रकार की औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती का एक फायदा ये भी है कि इसे समूह बनाकर भी किया जा सकता है। के
पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय का एक विभाग है जिसका उद्देश्य है औषधीय पादपों से संबंधित विभिन्न विषयों में सामंजस्य स्थापित करना। हम कृषि प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी के लिए अनुसंधान गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही पौधों की उन प्रजातियों को खेती के दायरे में लाते हैं जो वन्य क्षेत्रों में विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकारी आदेश के अनुसार हमारा मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्यरत है। इनमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा सिद्ध पूरी तरह औषधीय पौधों पर ही निर्भर हैं। 80% से भी अधिक उपचार पद्धतियों व औषधियाँ इन्हीं पादप संसाधनों से निर्मित होती हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सहेज कर रखना और प्रचुर मात्रा में इन्हें उपलब्ध करवाना, वो भी प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुँचाए बिना, बहुत आवश्यक है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। प्राचीन काल से भारत अपनी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के पारंपरिक उपयोग के लिए जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप विविध प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि इसे विश्व में औषधीय और सुगंधीय पौधों की प्राकृतिक संपदा का भंडार गृह माना जाता है। औषधीय पौधे असंख्य लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा स्रोत हैं। इस उभरते हुए हर्बल क्षेत्र की विकास क्षमता और खेती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने सन 1992 में निर्धारित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान केंद्र की स्थापना बोरियावी आणंद गुजरात में की। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस अनुसंधान केंद्र को औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय के रूप में नई पहचान दी गई। 40.5 हेक्टेयर वर्ग में फैले इस विशाल संस्थान को दो विभिन्न स्थानों में बांटा गया है जिनमें बोरियावी और लांबेवेल शामिल हैं। संस्थान के संरचनात्मक ढांचे में संस्थान का प्रमुख निदेशक होता है। आपको विभिन्न सलाहकार समितियां जैसे अनुसंधान सलाहकार समिति, संस्थान प्रबंधन समिति, संस्थान अनुसंधान समिति इत्यादि संस्थान के विभिन्न गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करती हैं। संस्थान एक बाह्य प्रसार कार्यक्रम अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधीय पादप और पान NAPNB परियोजना का भी संचालन करता है। देश के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में 22 केंद्रों के माध्यम से कार्य करती है। निदेशालय में विभिन्न शोध कार्यों हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारी हेतु कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई, पुस्तकालय, खेतिहर भूमि, नर्सरी, क्षेत्रीय जीन बैंक और प्रयोगशालाएं इत्यादि उपलब्ध हैं। निदेशालय की प्रयोगशालाएं शोध के लिए आवश्यक सभी आधुनिक उपकरणों जैसे LCMS, GCMS, AAS, HPLC, HPTLC, Ploidy Analyzer इत्यादि से सुसज्जित है। निदेशालय 9 निर्देशित फसलों पर निश्चित उद्देश्यों के साथ कार्यरत है। धृत कुमारी एलो बारबाडेंसिस, इसकी पत्तियों में जेल होता है और ये एक कड़वे सक्रिय तत्व एलोइन का स्राव करती है। फसल की पैदावार 10 से 12 टन प्रति कटाई प्रति हेक्टेयर होती है। अश्वगंधा विदानिया सोमनिफेरा, इसके पौधों की जड़ों में विथेनाइन, विथेनोलॉइड्स इत्यादि सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। फसल कटाई के लिए 6 महीने में तैयार हो जाती है। सूखी जड़ों की औसत पैदावार 700 से 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। गिलोय टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसके तने और पत्तियों में मुख्य रूप से स्टार्च, टिनोस्पोराइड और कॉर्डिफोल जैसे सक्रिय तत्व होते हैं। सूखे तने की उपज 8 टन प्रति हेक्टेयर तक होती है। गुग्गल कॉमिफोरा विर्टी, ये पौधा ओलियोगम रेजिन यानी कि तैलीय गोंदराल का एक स्रोत है। प्रत्येक पौधे से 200 से 220 ग्राम गोंद प्राप्त की जा सकती है। ईसब गोल प्लांटागो वाटा, आर्थिक दृष्टि से इस पौधे के बीज की भूसी महत्वपूर्ण है। इसके बीज की उपज 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सफेद मुसली क्लोरोफाइटम बोरिविलियानम, इसके पौधों की जड़ों में सक्रिय तत्व स्टेपोनिन्स होते हैं। प्रति हेक्टेयर ताजा जड़ों की उपज 10 से 15 टन तक प्राप्त की जा सकती है। सेना कैसिया एंगस्टिफोलिया, इस पत्तियां फूल एवं फली मुख्य रूप से सिनुसाइड का स्रोत होती हैं। प्रति हेक्टेयर सूखी पत्तियों की औसत पैदावार 7 से 10 क्विंटल और फलियों की पैदावार 4 से 5 क्विंटल होती है। लेमन ग्रास सिम्बोबोगन फ्लेक्सियोसस, इस घास की पत्तियों और तने से सुगंधित तेल की प्राप्ति होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में सिट्रॉल पाया जाता है। प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 100 किलोग्राम तक सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है। पामारोजा सिम्बोपोगोन मार्टिनी वैरायटी मोतिया, ये एक सुगंधित घास है। इसकी पत्तियों से आश्रित तेल में जिरेनॉयल पाया जाता है। प्रति हेक्टेयर 350 किलोग्राम तक सुगंधित तेल प्राप्त किया जा सकता है। इन मुख्य फसलों के अतिरिक्त निदेशालय में आर्टिमिशिया एसालियो बेल सलवन काल मेघ मधुनाशिनी मंडुका पर्णी मामेजो और सतावरी जैसी महत्वपूर्ण फसलों पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। उपलब्धियां फसल परिष्करण
औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय यानी DMAPR औषधीय एवं सगंधीय पादप संरक्षण हेतु एक सक्रिय राष्ट्रीय जन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म कोष है। यहाँ औषधीय एवं सगंधीय पौधों के संरक्षण के लिए वनस्पतिक उद्यान और क्षेत्रीय जीन बैंक हैं, जो 21 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जिसमें 641 संकलन संरक्षित हैं। निदेशालय द्वारा विभिन्न औषधीय एवं सगंधीय फसलों के श्रेष्ठ जन द्रव्यों को विकसित किया गया है तथा ये सभी जन द्रव्य राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में पंजीकृत हैं। निदेशालय द्वारा मंडुकापर्णी यानी कि सेंटेला एसियाटिका की उच्च पैदावार वाली किस्म वल्लभ मेधा विकसित की गई है, जो सामान्य प्रजाति से 5 गुना अधिक उपज देती है, साथ ही इसमें सक्रिय तत्व भी अधिक हैं। निदेशालय अधिदेशित फसलों में DNA सूचकों के प्रयोग द्वारा आण्विक विश्लेषण पर भी कार्य कर रहा है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी PPDFRA ने निदेशालय को औषधीय और मसाला फसलों में विशिष्ट अद्वितीय व स्थायी लक्षणों की पहचान हेतु 10 परीक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। फसल उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा घृत कुमारी, सफेद मूसली तथा लिकोराइस के बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन के लिए प्रोटोकॉल्स मानकीकृत किए गए हैं। कुछ औषधीय और सगंधीय पौधों के लिए स्वच्छ कृषि पद्धतियां GAP विकसित की गई हैं, जिन्हें और परिष्कृत किया जा रहा है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से निदेशालय द्वारा औषधीय पौधों की स्वच्छ कृषि एवं संग्रह पद्धति GACP पर एक प्रशिक्षण किट विकसित किया गया है। निदेशालय द्वारा औषधीय और सगंधीय पौधों की कटाई उपरांत उपयुक्त संग्रह व प्रयोग तथा मूल्य संवर्धन पर भी कार्य किया जा रहा है। फाइटोकेमिस्ट्री निदेशालय द्वारा घृत कुमारी, आर्टिमिशिया, अश्वगंधा, कालमे, बे, ब्राह्मी, मामेजो और गुग्गल से सक्रिय तत्वों के निष्कर्षण, आकलन और रासायनिक घटकों के मुद्रण के लिए प्रोटोकॉल्स मानकीकृत किए गए हैं। पौध संरक्षण के क्षेत्र में भी संस्थान ने उल्लेखनीय कार्य किया है। औषधीय एवं सगंधीय फसलों में पाए जाने वाली विभिन्न कीट एवं व्याधि की समस्या का पता लगाया गया है तथा उनका पर्यावरण अनुकूल विधियों द्वारा प्रबंधन का प्रयास किया जा रहा है। कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई AKMU संस्थान ने कुछ उपयोगी सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे औषधीय एवं सगंधीय पादप हेतु डिजिटल लाइब्रेरी व डिजिटल वनस्पति संग्रहालय तथा वेब आधारित हर्बल उद्यान नेटवर्क विकसित किए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय ने भारत में 2 प्रक्रिया पेटेंट फाइल करवाए हैं। एलोवेरा से एलोइन निष्कर्षण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पेटेंट 2008 में फाइल किया गया। ये काम लागत में शीघ्रता से एलोइन निकालने का आसान प्रभावी तरीका है, जिससे अधिकतम मात्रा में 90-95% शुद्ध एलोइन प्राप्त किया जा सकता है। गूगल गोंद के बेहतर दोहन की तकनीक का पेटेंट 2009 में फाइल किया गया। इस तकनीक के माध्यम से गूगल के पौधे से संपूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी समय में अधिक से अधिक मात्रा में गोंद निकाला जा सकता है। प्रचार प्रसार निदेशालय किसानों और उद्यमियों के लाभ के लिए अग्रणी रूप से कार्यरत है। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से निदेशालय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को किसानों और अन्य हितधारकों को स्थानांतरित किया जा रहा है। किसान नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। औषधीय एवं सगंधीय पादप के क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों के उचित प्रचार प्रसार हेतु निदेशालय द्वारा सन 2008 में MABAI की स्थापना की गई। ये संगठन औषधीय एवं सगंधीय पादपों पर गोष्ठियों का आयोजन करता है व एक स्वतंत्र शोध पत्रिका OAG-MAP का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान औषधीय एवं सगंधीय पादप के शोध से संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिन्हें निश्चित भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के मार्गदर्शन में औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय औषधीय और सगंधीय पौधों के क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले अनुसंधानों को एक दृढ़ आकार प्रदान कर रहा है। वैश्विक परिदृश्य में औषधीय एवं सगंधीय पौधों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए निदेशालय अपने वैज्ञानिकों व कर्मचारियों की समर्पित टोली के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए।
प्रतिदिन बढ़ती औषधियों और खुशबूदार पौधों की मांग को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 24 नवंबर 2000 को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी एजेंसी तैयार करना था जो औषधीय पौधों से संबंध सभी विषयों के संबंध में, जिसमें उनके संरक्षण, कृषिकरण, अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण और विपणन आदि का दायित्व संभाल सके, ताकि इस क्षेत्र का विकास किया जा सके। पूरे आयुष के जो सिस्टम है उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लगभग सारी ही दवाइयाँ जो हैं वो मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर बेस्ड हैं। मेडिसिन प्लांट्स का ज़्यादातर जो है लगभग 80% दवाइयों से प्राप्त होते हैं, और इस समय उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि काफ़ी स्पेसिस को बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और बाकियों की भी पोजिशन बड़ी क्रिटिकल हो गई है। तो बड़ी भारी समस्या है कि किस प्रकार से हमारे इसकी एक जिंदगी बनी रहे, साथ में इनका एक सस्टेनेबल सिस्टम बन जाए। तो इसके लिए काफ़ी कुछ कार्य NNPP द्वारा किया जा रहा है। नेशनल आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन का गठन इस सोच और उद्देश्य के लिए हुआ कि उत्तम कृषि तकनीकों को अपनाकर औषधीय पौधों की खेती की जाए। उत्कृष्ट कच्चे माल की सतत आपूर्ति से न केवल औषधीय पौधों की बढ़ती मांग पूरी की जा सकेगी, अपितु औषधीय पौधों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना से औषधीय पौधों के व्यापारियों को बहुत मुनाफा मिलता है। किसानों के द्वारा की गई अतिरिक्त खेती इन व्यापारियों के पास उचित मात्राओं में पहुंचती है, जिन्हें ये आगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बेच सकते हैं। आयुष द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन औषधीय पौधों के क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। प्रारंभिक वर्षों में बोर्ड का ध्यान औषधीय पौधों की खेती के प्रचार पर केंद्रित रहा, और इस उद्देश्य से औषधीय पौधों की प्रजातियों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर की गई। साथ ही इन औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम की घोषणा भी की गई। इस विशेष स्कीम द्वारा कृषकों का पारंपरिक फसलों की खेती से हटकर औषधीय फसलों की खेती की ओर रुझान हुआ। औषधीय पौधों की खेती देश को स्वस्थ बनाने के साथ साथ लोगों की जीवन शैली में मुख्य हिस्सा बन गई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की अन्य गतिविधियों में से एक है जागरूकता अभियान कार्यक्रम, जहां मूल रूप से सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण आदि का हितधारकों के संग आयोजन किया जाता है। हम राज्य की औषधीय पादप बोर्ड के बड़े स्तर पर सहायक हैं। साथ ही इन कार्यक्रमों की सहायता से राज्य की बागवानी मिशन के संदर्भ में भी जागरूकता पैदा करते हैं। हमारे महत्वपूर्ण मुख्य अभियानों में से एक है 365 दिवसीय औषधीय पादप अभियान, जिसे पिछले वर्ष आरंभ किया गया था और आज भी चल रहा है। आयुष सहयोग का वार्षिक निजी व्यवसाय लगभग 2,369 करोड़ रुपए का होता है, और लगभग 3,211 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। औषधीय पादपों के उनके प्राकृतिक दशा में संरक्षण को लेकर भी हम अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत इनके संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। वन्य प्रदेश के भीतर तथा बाहर इनका इन सिचु व एक सिचु संरक्षण क्रमशः किया जाता है। साथ ही इसमें बड़े स्तर पर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। NPCS में हम औषधीय पादपों का हॉटस्पॉट क्षेत्र निर्मित करते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 हेक्टेयर होता है। विभिन्न प्रकार की विशिष्ट RAT पादपों की प्रजातियां, जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनका संरक्षण प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। तत्पश्चात यही जीव मंडल की आपूर्ति के लिए जनन द्रव्य स्रोत बनता है। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या अपनी फसलों को बेचने के लिए आती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने ई चरक नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्रक्षेपण किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि औषधीय पौधों का विपणन कई मायनों में विभाजित है, इसलिए NNPB ने ई चरक नामक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का प्रशिक्षण किया, जिसका मूल उद्देश्य विक्रेता और क्रेता के बीच मध्यस्थ बनना होता है, ताकि विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों का क्रय विक्रय हो सके। साथ ही ई चरक एक ऐसा ज्ञान आधार है जहां कृषि व अन्य हितधारक औषधीय पौधों, कृषि तकनीक तथा फसल के बाद औषधीय पौधों के प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक अन्य डेटाबेस या लिंक भी उपलब्ध है, जहां 7,000 से भी अधिक औषधीय पौधों की जानकारी सचित्र उपलब्ध है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के नियमित प्रयासों से कई लुप्त हुई औषधियों की पुनः खेती शुरू हुई है। इसके अलावा वो औषधियाँ जो केवल जंगलों में मिला करती थीं, उन्हें कई शहरों में नर्सरी, हर्बल गार्डन और खेती के जरिए आम लोगों तक पहुंचने का काम राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने किया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का उद्देश्य औषधीय पौधों की सुरक्षा, संरक्षण और खेती को बढ़ावा देना है, जिससे विश्वसनीय और गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सतत उपलब्धता हो, वो भी प्राकृतिक जैव संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना, जिससे औषधीय पौधों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता हो। एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए आयुष सदैव समर्पित है, और औषधीय पौधों के नियमित प्रयोग को बढ़ावा देना अपना एकमात्र लक्ष्य मानता है।
फसल कटाई एक बार की रोपाई के बाद 5 वर्षों तक की जा सकती है। किसान को हर बार फसल कटाई में सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि फसल फूल आने से पहले ही काट ली जाए। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा बोर्ड के द्वारा हमीरपुर जनपद में फोकस करके जैविक खेती में काफी प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फोकस सेंटर भी अचराधा भी स्थापित करने का भी बात चल रहा है, जहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा बोर्ड को एक जमीन भी चिन्हित करके दिया गया है, जहाँ पे किसानों की सुविधा के लिए एक स्टैंड सेंटर की स्थापना हो सके। जिस तरह की प्रोजेक्ट यहाँ पे टेकअप हो रहा है उसे ये क्लियर है कि किसानों के हित में, किसानों को एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी ऑप्शन अभी सामने आ रहे हैं, जिससे जो रेगुलर रूटीन क्रॉप पैटर्न के साथ साथ एक सेफ ऑप्शन अवेलेबल हो जा रहा है लेमन ग्रास की तरफ, और इसी तरह एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हो जा रहा है। लेमन ग्रास की कल्टिवेशन उसका रिटर्न्स भी काफी अच्छा आ रहा है, उसी के साथ साथ जो क्रॉप डैमेज का भी इश्यूज आ रहा है उसकी संभावना कम रहती है, बिकॉज जो अन्नप्रदा और इस तरह के इश्यूज से ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। जनपद हमीरपुर में 2 क्लस्टर्स में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लेमन ग्रास कल्टीवेशन की सिस्टम स्टार्ट कराया गया था, जिसमें गुहांड क्लस्टर का क्रॉप कटिंग भी हम लोगों ने कराया है, जिसमें काफी जो रिजल्ट्स आए हुए हैं काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो इसमें हम लोगों का कोशिश ये रहेगा कि जिस तरह से अभी रिजल्ट्स निकल के आए हैं आगे भी किसानों को इसके संबंध में जागरूक करें, और चूंकि लेमन ग्रास की जो कल्टीवेशन का ऑप्शन है एक क्लाइमेट रेसिलिएंट ऑप्शन है, जिसमें बुंदेलखंड की खासतौर पर हमीरपुर की जो परिस्थितियों को देखते हुए वाटर की अवेलेबिलिटी जहां पे कम है वहां पे भी इसका सर्वाइवल पॉसिबल है, और अराउंड द ईयर कल्टीवेशन भी पॉसिबल है, और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो प्रोटेक्टिव इरिगेशन के अलावा बहुत ज्यादा इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट की और मेंटेनेंस की बहुत जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमीरपुर जनपद के पॉइंट ऑफ व्यू से किसानों के लिए एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम का ऑप्शन के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। लेमन ग्रास की पत्तियां ही मुख्य रूप से उपयोगी होती हैं, इसलिए इन पत्तियों की कटाई के बाद कुछ समय इन्हें मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन मुरझाई हुई पत्तियों से आसवन विधि द्वारा इनका तेल निकाल लिया जाता है। इस फसल में औसतन पहले वर्ष की 2 से 3 कटाई में 60 से 80 किलो प्रति एकड़ तेल का उत्पादन हो जाता है। बाजार में लेमन ग्रास के तेल की बिक्री औसतन 800 रुपए से 900 रुपए प्रति किलो की दर से हो जाती है। बाजार में डिमांड बढ़ने पर या विशेष स्थिति में लेमन ग्रास लगभग 1000 से 1100 रुपए की कीमत तक भी आसानी से बिक जाता है। इस तरह से लेमन ग्रास की खेती करके किसान भाई लगभग 60,000 से 80,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई कर सकते हैं। अगर लागत की बात करें तो इसकी खेती में पहले वर्ष की लागत लगभग 35 से 40,000 रुपए प्रति एकड़ की रहती है, लेकिन दूसरे वर्ष ये लागत कम होकर औसतन 6 से 8,000 रुपए के बीच तक की रह जाती है। इस फसल में लाभ सीधे सामान्य से 2 गुना तक बढ़ जाता है। लेमन ग्रास की खेती से प्रभावित होकर प्रदेश के कुछ किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। आइए देखते हैं लेमन ग्रास की खेती कर रहे किसान भाइयों का अनुभव क्या कहता है। इसमें बहुत बड़ा खर्च नहीं है, यह कम उपजाऊ भूमि भी हो सकती है। यहाँ नीलगाय का एक प्रकोप ज्यादा रहता है, तो इसको कोई पशु नहीं खाता, नीलगाय नहीं खाता। दूसरा चीज, लेमन ग्रास का पौधा ऐसा है कि किसी भी भूमि में हो जाए, ऊसर बंजर, और किसान के लिए सबसे बड़ा सहूलियत है कि ये किसी भूमि में पैदा करे, कम पानी भी में भी ये तैयार हो जाता है, इसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बहुवर्षीय पौधा है। अन्य खेती में क्या है कि आलू कर लीजिए, गेहूं कर लीजिए, धान एक फसल होती है साल में, और लेमन ग्रास ये बहुविकल्पी खेती है, इसको साल में 4 बार 5 बार तक पैदा कर सकते हैं। एक बार लगाने पर 4 कटिंग 5 कटिंग निकाल सकते हैं इसको। इसको एक बार बुना पड़ता है, इसको दोबारा नहीं बुना पड़ता है, और लगातार 5-6 साल तक ये चलती रहती है। ये एक तो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में लगभग 4-5 साल से किसान मतलब सूखे की मार झेल रहा है, मतलब कभी मतलब ओलावृष्टि हो गई है, तो खेती से आदमी मतलब पनप नहीं पाया है। जब से ये लेमन ग्रास आया है तब से आदमी को लागत कम और फायदा ज्यादा हो रहा है। जहाँ पे पानी की कमी है और वहाँ खेती करना मुश्किल है, तो मैं उन सभी किसान बंधुओं से मतलब अनुरोध करता हूँ कि लेमन ग्रास का ही उपयोग अपनी खेती में करें, पानी भी कम लगता है, फायदा भी दोगुना तकना होता है। लेमन ग्रास में कंदा बन जाता है और फसल ज्यादा वो ग्रोथ कर लेती है, तो इसके बाद पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। जब ऊर्जा के तरफ से ये हमको फ्री पौधे मिले थे हमारे किसानों के साथ, मैंने 27 किसानों को लेमन लगवाई थी, लेमन ग्रास, जिससे मैंने अब तक करीब 5 कटाई की है, जिसमें 50 किलो तेल लेमन ग्रास का निकाल चुके हैं। ये हमारे वाटर लेवल को भी नहीं खाता, हमारे भूमि को सुधार भी करता है। हाँ, हम ये देख रहे हैं आलू गेहूँ और ये जो मूंगफली या लहसुन प्याज है उसके बराबर हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उसमें हमको अपनी तरफ से DAP खाद यूरिया जुताई और बीज डालते हैं, तो वो हमारी बचत है। और मैं अपने ग्राम को एक इसी खेती के माध्यम से उन्नत गांव की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। इस जिले में जैविक खेती किया जा रहा है, इसमें मुख्यतः ये लेमन ग्रास का खेती कर रहे हैं। यहाँ पे करीब 150 एकड़ में 3 ब्लॉक में, यानी ये मुरली छपरा रसड़ा एवं बांसडी तीनों ब्लॉकों में करीब 32 गांव में इसका खेती हो रहा है। 150 किसान इसका खेती प्रति किसान 1 एकड़ के दर से कर रहे हैं। हमारे जनपद अमूमन किसी न किसी नेचुरल कैलामिटी से ग्रसित रहता है, ओलावृष्टि और सूखा पड़ जाती है, ऐसी जगहों पे ये लेमन ग्रास बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये किसी आपदा से प्रभावित नहीं होते। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा किसानों में पामा रोजा की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
पामा रोजा की खेती भी सौंदर्य प्रसाधन और सुगंधित उत्पादों के लिए विशेष महत्व की साबित हो रही है। इसकी बेहतर खेती के लिए 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा परिणाम देता है। इसकी कृषि के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला कृषि क्षेत्र अनुकूल होता है। पामा रोजा का तेल भी पत्तियों में होता है, इसलिए इसका तेल निकालने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। पामा रोजा की खेती में आने वाले लागत की बात की जाए तो इसमें पहले वर्ष औसतन 25,000 से 35,000 रुपए तक की लागत आती है, जबकि दूसरे वर्ष लागत कम होकर औसतन 6,000 से 8,000 रुपए के बीच की रह जाती है। लागत कम होने के साथ मुनाफा तकरीबन 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाता है। 1 एकड़ में इसके तेल का उत्पादन औसतन 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ रहता है। इसके तेल की बाजार में लगभग 1,000 से 1,200 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत आसानी से मिल जाती है। कुछ विशेष स्थितियों में या बाजार मांग बढ़ने पर इसका तेल लगभग 1,500 से 2,500 रुपए प्रति किलो की दर तक बिक जाता है। इस तरह परंपरागत खेती करते हुए किसान अपनी बेकार पड़ी जमीन का कुशलता से उपयोग करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की पहल से किसानों द्वारा खस की खेती पर भी इन दिनों ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। झाड़ीदार प्रजाति के इस पौधे को किसी भी तरह की भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। ये एक वर्षीय पौधा होता है। रोपाई के लगभग 10 से 12 महीने में इसकी जड़ें तेल निकालने लायक तैयार हो जाती हैं। खस की 1 एकड़ की खेती में अनुमानतः 1400 से 1600 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ें प्राप्त होती हैं। किसान भाइयों, खस की जड़ों में ही सुगंधित तेल पाया जाता है। इसकी जड़ों से 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल आसानी से निकल आता है। इसके तेल को सामान्य स्थिति में 15,000 से 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकता है, जबकि विशेष मांग की अवस्था में इसका तेल 20,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भी बिक जाता है। सौंदर्य उत्पादों में खस का सुगंधित तेल खासा उपयोगी होता है। इस तेल का सुगंधीय उपयोग बढ़ने से इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण हो गई है। इसकी जड़ों से तेल निकालने के साथ इसकी झाड़ी को चटाई, पंखा, टोकरी और टाट बनाने के काम में उपयोग किया जाता है। इसकी खेती से जहां सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों का विकास हो रहा है, वहीं लघु और कुटीर उद्योग गांवों की समृद्धि का रास्ता खोल रहे हैं। किसान भाइयों, खेतों में रसायन युक्त उत्पादों की पैदावार ने खेती और मानव स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित किया है। इस वजह से कारगर और बेहतरीन औषधियों की मांग बढ़ती जा रही है। कारगर औषधियों की मांग ने किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती का सुनहरा अवसर मुहैया कराया है। बहुत सारे रोग ऐसे हो रहे हैं उत्पन्न जो एक साथ एपिडेमिक तौर पर फैलते हैं, जैसे पिछले दिनों जीका वायरस का प्रभाव हुआ, एड्स का है और वायरल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आधुनिक औषधियां फेल हो रही हैं। वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत कॉमन हो रहा है। इन सब पर जरूरत इस बात की है कि हम अपने जो परंपरागत औषधि है उनका प्रयोग करें और ये औषधि हमें परंपरागत औषधि से इसका निजात पाई जा सकती है, इससे पर आगे बढ़ा जा सकता है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा सगंध खेती के साथ औषधीय खेती में भी नई शुरुआत की गई है। तो आइए जानते हैं औषधीय कृषि की विशेष बातें और उससे होने वाले लाभ के विषय में। औषधीय गुणों से भरपूर सर्पगंधा की खेती के लिए 10 से 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। इस सदाबहार और बहुवर्षीय फसल को सभी प्रकार के भूभागों पर उगाया जा सकता है, किंतु जल भराव वाला भूभाग इसके लिए अनुकूल नहीं रहता। गर्मी के दिनों में इसके कृषि कार्य की तैयारी सबसे मुफीद होती है। कृषि भूमि की तैयारी के बाद बरसात के शुरुआती दिनों में इसकी रोपाई का कार्य अच्छा परिणाम देने वाला होता है। रोपाई के 8 से 10 माह तक फसल को खास देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। इस समयावधि के बाद फसल की थोड़ी देखभाल से ही अच्छी उपज मिलती रहती है। इसके फूल गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं, ये गुच्छों में पाए जाते हैं। सर्पगंधा की पहली फसल तैयार होने में 18 महीने का समय लगता है। इसके 18 महीने पुराने पौधों से लगभग 800 से 900 किलोग्राम प्रति एकड़ और 3 वर्ष पुरानी फसल से औसतन 1200 से 1400 किलोग्राम प्रति एकड़ सूखी जड़ों का उत्पादन हो जाता है। इसकी जड़ें लगभग 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक जाती हैं। किसान भाइयों, सर्पगंधा की 1 एकड़ की खेती में जहां पर्याप्त जड़ों का उत्पादन होता है, वहीं इस रकबे में लगी फसल से लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ बीजों का उत्पादन भी प्राप्त हो जाता है, जिसकी बाजार में 2,500 से 3,500 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत आसानी से मिल जाती है। मित्रों,
सर्पगंधा की एक एकड़ की 18 माह में तैयार फसल की जड़ों से औसतन 2 से 2.5 लाख जबकि बीजों की बिक्री से लगभग 1 लाख रुपए की आय प्राप्त करके आप 18 माह में कुल 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की आय अर्जित कर सकते हैं। शतावर जड़ वाली एक औषधीय फसल है। इसका पौधा झाड़ीदार और कांटेदार लता के रूप में पाया जाता है। इसके फूल सफेद या गुलाबी रंग के सुगंध युक्त छोटे व अनेक शाखाओं वाले होते हैं। इस पौधे में फरवरी और मार्च के महीने में फूल आने की शुरुआत होने लगती है। अप्रैल के महीने तक इसके फलों की बढ़वार पूरी हो जाती है। शतावर की जड़ें कंदवत होती हैं, जिनकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर और 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी एवं गुच्छे में पाई जाती हैं। इसकी जड़ों की संख्या प्रति लता 60 से 100 तक के आसपास होती है। शतावर की खेती के लिहाज से मध्यम तापमान अच्छा माना जाता है। 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसकी बेहतरीन उपज ली जा सकती है। शतावर की खेती के लिए एक एकड़ खेत में 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। शतावर में इसका बीज भी सर्पगंधा की तरह मुश्किल से जर्मिनेट होता है। अगर बीज अच्छा नहीं है तो जर्मिनेशन रेट काफी कम हो जाता है, और क्योंकि इसकी परत काफी मोटी होती है तो इसको भिगो के रखना पड़ता है, और इसको जब नर्सरी डालते हैं तो उसको पानी उसमें काफी रहना चाहिए, दलदल जैसे रहनी चाहिए, लेकिन जैसे नर्सरी में पौधा उगने लगता है 2 इंच का 3 इंच का पौधा हो जाता है, उसके बाद उसको ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। इसकी खेती में अधिक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। शतावर की खेती में जड़ों की सही समय पर खुदाई का विशेष महत्व होता है। एक एकड़ खेत में 60 से 75 क्विंटल तक शतावर की रसदार जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें सूखने के बाद वजन में 12 से 15 क्विंटल के लगभग शेष रहती हैं, जो वास्तविक उपज होती है। शतावर की जड़ों को सुखाते समय उसमें फंगस न लगने पाए, इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। उपज की बिक्री की बात करें तो वर्तमान में शतावर की जड़ औसतन 400 से 500 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जा सकती है। यही नहीं, विशेष मांग की अवस्था में बाजार में लगभग 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत भी मिल जाती है। किसान भाइयों, शतावर की जड़ों से बेहतर कमाई करने के साथ इसके बीजों को भी आसानी से बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, प्रकृति में उपलब्ध सभी छोटे बड़े पौधे किसी न किसी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, और इन्हीं पौधों में कुछ तो अपनी इसी विशेष खूबी के कारण हमारे घरों में पूजनीय माने जाते हैं। जी हाँ, उन्हीं में शामिल है सभी घरों में स्वास्थ्य बांटने वाली तुलसी। अपनी रोग निदान क्षमता के कारण तुलसी आज औषधीय रूप में खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तुलसी की भारत में अनुमानतः 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 5 प्रजातियां खास गुणकारी होती हैं। इन 5 प्रजातियों में रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी प्रमुख हैं। इन सभी का रोगों के निदान में बेजोड़ महत्व है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा इसकी खेती को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी खेती करके किसान एक एकड़ में औसतन 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तेल का उत्पादन कर सकते हैं। तुलसी की खेती की फसल अवधि 70 से 90 दिन की होती है। प्रमुख रूप से इसका कृषि कार्य खरीफ सत्र में किया जाता है। किसान भाई चाहे तो यथा आवश्यकता इसकी 2 फसलें और भी ले सकते हैं। मित्रों, आसवन विधि द्वारा तुलसी की पत्तियों से तेल निकालने के बाद पत्तियों को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले तुलसी तेल की मांग की वजह से किसान को 500 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उत्पादन का मूल्य आसानी से मिल जाता है। आज सेहत को लेकर आई जागरूकता के कारण इन दिनों लोगों का रुझान सुपर फूड की ओर बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा इन स्वास्थ्य प्रदान करने वाली फसलों में किन्वा, चिया, रागी और टैफ की कृषि को किसानों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज इन फसलों की मांग बढ़ने से इनका कृषि कार्य किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने सुपर फूड के रूप में रागी, चिया और किनवा का प्रयोग किया। हम लोगों ने अनुभव पाया कि 100 से 110 दिन की ऐसी क्रॉप जिसमें 4-5 हजार रुपए एकड़ का खर्चा होता है और किसान रा कंडीशन में बेच देता है तो 120-125 हजार रुपए मिल जाता है। अन्न प्रथा का भी बहुत प्रकोप नहीं होता, इस पर बहुत सिंचाई निराई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में हमारा बोर्ड की ओर से प्रस्ताव प्रयास है कि वहां के FPO को फर्दर CFTRI या इंडियन सोटा मिलेट रिसर्च इन लोगों के साथ टाइप करके उनको प्रशिक्षण करा दिया जाए उद्यमिता मोड में, और वो किसान फिर प्रोसेसिंग करके इसे किनवा है कच्चा किनवा 60 रुपए से 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो तक किसान को बेचना पड़ता है। लेकिन वही किनवा जो प्रोसेस हो जाता है तो उसकी कीमत 1,000-1,200-1,500 रुपए किलो तक मार्केट में हो जाती है। तो बोर्ड का यह भी उद्देश्य है कि किसान कच्ची चीज मार्केट में ना ले आए, प्रोसेस करके ले आए।
तो हम लोगों ने प्रयास ये कर रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र के दो जनपद मिर्जापुर सोनभद्र तथा बुंदेलखंड के सातों जनपद को हम सुपरफूड हब के रूप में विकसित करें। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड ने किसानों के उगाए गए उत्पाद को कृषि क्लस्टर के जरिए विक्रय का प्रावधान किया है। इस प्रक्रिया में जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा संबंधित क्लस्टर को सीधे बाजार से जोड़ दिया जाता है। क्लस्टर से जुड़ जाने से किसान को उत्पाद का मूल्य प्राप्त करना और भी सरल बन जाता है। कृषि क्लस्टर बन जाने से किसानों को अपने उत्पाद के लिए खरीदार गांव में ही उपलब्ध हो जाता है और भुगतान भी बाजार मूल्य पर प्राप्त होता है। क्लस्टर अप्रोच का मतलब संघीय शक्ति सर्वदा इसको परिभाषित करते हुए किया गया। अब एक किसान एक एकड़ सरगंधा बो देगा तो कहां बेचने जाएगा, लेकिन 25 एकड़ किसान 25 एकड़ करेगा तो खरीदार वहीं से आगे ले जाएगा। तो वैसे में क्लस्टर अप्रोच में क्या होगा कि कम से कम 25 किसान और अधिक से अधिक 100, 200, 500, 1000, 5000 तक किसान एक क्लस्टर में सम्मिलित हो सकते हैं। तो उद्देश्य यह है कि किसान के पास मार्केटिंग सरप्लस हो, फिर डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर की बात हो, जिस चीज की बाजार में मांग है उसकी खेती की बात हो, ऐसी खेती की बात हो जिसमें कम निराई गुड़ाई लगे, कम पानी लगे, सिंचाई लगे, कम देख रेख हो। क्लस्टर अप्रोच का जहां तक प्रश्न है तो उसके परिचय को परिभाषित करने के लिए अधिकृत रूप से उसको हमने एक समूह को कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस कार्य में नाबार्ड हमें सहयोग प्रदान कर रहा है और इसमें तो इतना तक की व्यवस्था है, यदि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है प्रॉपर काम कर रहा है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसकी परिस्थिति ऐसी लायक हो जाएगी कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्सियम से उसका सीधे लिंकेज हो जाएगा। तो एफपीओ का उद्देश्य यह है कि जो क्लस्टर पहले बनाया गया उसको विधिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। विधिक स्वरूप प्रदान हो जाने के बाद फिर वो किसान इतना प्रशिक्षित हो जाएगा कि वो सीधे अपनी मार्केटिंग कर लेगा।